उसे घुमाने फिराने के लिए। तेरे जेब में बेटा फूटी कौड़ी तक नहीं रहती थी, हाँ तब भी तू मेरे पास ही आता था हाथ फैलाता हुआ। तभी तेरे काम आता था बे, तेरी लड़कियों से बात करने में तेरे गुर्दे फूलते थे, मैं तेरी लड़कियों से बात करता था, तेरे लिए मैं लड़कियां पटाया करता था, यू रिमेम्बर? तू भी तो साले अपनी जुगाड़ में लगा रहता था। क्या बेतू की बात कर रहा है बे, मैं कब लगा अपने जुगाड़ में बता मुझे। साले उस जामुनिया पे मेरा दिल आया था और मैंने तुझे बेटा अपनी बात करने के लिए भेजा था और तू साले मेरी बात छोड़कर खुद ही चिपक लिया। वो एक नंबर की मोरौन थी मोरौन, मैं नहीं वो चिपकी थी मुझसे, एक नंबर की चिपकू थी, चैट चैट थी चैट, वो चिपकी थी मुझसे, मैंने चिपका था चिपक, मैं चिपकूंगा उसको, एक नंबर की चिपकू थी चिपकू। क्या चिपका चिपकी हो रही है? हम लोग अपनी पुरानी यादें ताजा कर रहे हैं। पुरानी यादें ताजा कर रहे हैं या एक दूसरे की पोल खोल रहे हैं? भाभी जी हमारी पुरानी यादें ताजा करने का यही अंदाज है। बहुत ही बढ़िया अंदाज है। पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर। गाता रहे हमरा दिल तो ही हमरी मंजिल। आपकी मंजिल हूँ मैं, मेरी मंजिल आप हैं। आका बोले गंगा भाभी जी और बताइए क्या हाल है? हाँ हमरा का हाल है, आ वही हड्डी वही खाल है, लेकिन आप माल हैं। हदिया का 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 बोले अभी आप हमको? गंगा भाभी जी आप कमाल हैं। नहीं नहीं हम बहुत साफ साफ सुने रहे, आप हमको माल बोले। भाभी जी मैंने कमाल बोला था, क्या है कि वो का जो है ना वो साइलेंट है। काहे 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 साइलेंट था? कभी कभी साइलेंट हो जाता है भाभी जी। हम तो ऊपर वाले से यही दुआ करेंगे कि आपको साइलेंट कर दे। क्या बकवास कर रहे हैं आप? क्या बकवास कर रहे हैं क्या? जब देखो तब जो है वो इतना बोलते हैं, हमारी बीवी को पकाने चले आते हैं। आपकी बीवी ऑलरेडी आपसे पकी हुई है ना भाभी जी? नहीं हाय दिया हम हमरे लड्डू के भैया से बिल्कुल भी ना ही पके हैं। क्या मैं पकाता हूँ आपको? आप मुझसे पकी हुई है? नहीं वो भी हम कभी फूल ना ही किए। भाभी जी वो फील होता है। ऐसे ही पकड़े हैं। देखा भाभी जी ने खुद अपनी जबान से कहा है कि मैं नहीं पकाता हूँ उनको। अच्छा कर वो सब छोड़िए, ये बताइए कि वो कहाँ है? कौन? वो बदतमीज आदमी प्रेम जी? हाँ कहाँ है? पूछिए क्या पता, मैं कोई सेक्रेटरी हूँ उसका। अच्छा उसके परम प्रिय मित्र तो हैं आप। हाँ लेकिन अचानक उसकी याद क्यों आने लगी आपको? क्या करे फोन कर रहे तब फोन नहीं उठा रहा, कहीं दिखाई नहीं दे रहा, गया तो गया कहाँ। लेकिन ऐसा किया क्या उसने? चिट फंड के नाम पे लाखों रुपए ऐड गया वो हमसे। लेकिन ऐसा आदमी है नहीं वो। ऐसा नहीं है तो फिर कैसा है? पता नहीं कहाँ मर गया, बिजली गिर गई क्या उसपे? ऐसे ना ही बोलिए किसी इंसान के बारे में। जरूर बोलेंगे, कम बखत पता नहीं कहाँ मर गया वो। ये क्या नाम शनाम बके जा रहा है मेरे दोस्त के बारे में? मैंने कहा ना वो ऐसा आदमी नहीं है, और कल रात को मुझसे मिलने आया था वो। अच्छा तो फिर हमें काहे नहीं बुलाया आपने? मुझे क्या पता कि आप तलाश कर रहे हैं उसको। अरे भैया वो डाटा गजब होगा यार। क्या गजब हो गया? आपकी बीवी को 10वां बच्चा हो गया। तुम यार जे वाली बकवास ना करो करो फालतू में। अच्छा बताइए क्या गजब हुआ है? कैसे हुए खबर कछु अच्छी ना है तुम्हारा ने भैया विभूति। यार वो सब छोड़ी ये बताइए कि प्रेम चौधरी को कहीं देखा, कहाँ है वो? इतनू काय चेचे आ रहे, उन्हीं की बात करने के लाने तो पधारे हैं हम। हाँ तो भाई तो पूछ रहे ना है कहाँ वो। ऊपर निकल लो। अच्छा बकवास कर रहा, मैं आपकी जान ले लूंगा, खबरदार अपने एक वर्ड नहीं कहा उसके बारे में। तो ठीक है ना यार, हमें पता है कि तुम ससुर एजी पर्सन हमारी इज्जत ना करते हो, कम से कम जब वर्दी की तो करो। सुनिए दरोगा जी आप वो प्रेम चौधरी के बारे में कुछ बता रहे थे। वो ही खिलाने आए थे जो आदमी ऐसे खोले हम सड़क पे हमारे गरीबान पकड़ रहा हुए, फोन आओ तो ताने में के सारे ने गंदे नाले में डूब के जान दे दी। मर गए ससुर। ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा होगा हुआ है? ऐसा नहीं हो सकता। अरे हमने पूरी छानबीन करी है, रोको ले पहचानो जो सारे को है ना ब्रेसलेट। ये तो प्रेम का ब्रेसलेट है। शांत हो जाइया। काहे के शांत हो जाइया, पैसा डूब गया। तो हम दादा तब से का कह रहे कि जो आदमी प्लीज प्लीज अपने आप को संभालो,
मैं समझ सकती हूँ कि प्रेम का जाना बहुत दुख की बात है। इनफैक्ट मुझे तो खुद हादसा सा सदमा सा हो गया है। लेकिन देखो विभू, हमें नहीं भूलना चाहिए। हाँ, जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। खा गई मेरे दोस्त को, खा गई। कौन खा गई विभू? तुम्हारी नजर खा गई मेरे दोस्त को, तुम्हारी काली नजर निगल गई मेरे दोस्त को। अरे कैसी बातें कर रहे हो तुम? ठीक कह रहा हूँ मैं, रात को तुम उसके बारे में उल्टी सीधी बातें कर रही थी। अरे विभू, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं थोड़ी ना चाहती थी कि सच में तुम्हारा दोस्त तय बोल जाए। अरे मुझे खुद बहुत दुख हुआ है, बहुत सदमा पहुंचा है प्रेम के जाने से। आग सदमा बात तुम्हें, मैं तो ठंडक पहुंच गई होगी, कलेजे में तसल्ली पड़ गई होगी तुम्हें तो। विभू देखो, ऐसा कहकर तुम मुझे विलन बनाने की कोशिश कर रहे हो। यार मैं ना किसी को विलन बनाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। जस्ट फॉर गॉड्स सेक, जस्ट लीव मी अलोन, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मेरी प्रेम की यादों के साथ छोड़ दो, जस्ट लीव मी अलोन। प्लीज प्लीज पिपू देखो, संभालो अपने आप को। अरे तू ना बहुत ही घटिया आदमी निकला यार, बहुत ही घटिया आदमी निकला। बताया मेरे जाने से पहले, बोला भी नहीं मुझसे। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। अब मुझे विभूतिया कौन बोलेगा? बोल मुझे, कौन बोलेगा विभूतिया? साला बोल दू, तूने सोचा भी नहीं कि तेरे जाने के बाद मेरा क्या होगा? मुझे बेइज्जत कौन करेगा? मुझे जलील कौन करेगा? Who will put me down? God, God. देखो, it's okay. देखो, देखो, I understand. Please शांत हो जाओ, I understand. हाँ, please. हाँ. प्रेम, just leave me alone, please. Please देखो. Please, just please. Really sorry. God. दूध भी गिरा दिया, क्या कॉफी बनेगी आज? उफ। नहीं नहीं भाभी जी, मैं प्रेमी हूँ। प्रेम है, लेकिन हम तो लोगों से सुने रहे कि आप तय बोल गए हैं। नहीं नहीं भाभी जी, मैंने तय बोलने का नाटक किया था। अगर मैं तय बोलने का नाटक नहीं करता तो मैं सच्ची में तय बोल जाता। तो ऐसा काहे 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 कर रहे हैं आप? वो क्या है ना भाभी जी, कुछ लोग मेरे जान के पीछे पड़े, उनसे बचने के लिए मुझे ये नाटक करना पड़ा। लेकिन हाँ। अरे लेकिन ये बहुत बड़ी कहानी है, ये मैं आपको बाद में कभी सुना दूंगा। फिलहाल मुझे आप अपने घर पे छुपा लीजिए ना। हाय दिया, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, आप बहुत बहुत बड़ा कांड किए हैं। भाभी जी, आपको कच्चे बनियान की कसम है, अगर आपने मुझे अपने घर में जगह नहीं दी तो उस कच्चे बनियान के कीड़े पड़ेंगे। हाँ चुप कीजिए, ऐसे काहे बोलते हैं मेरे पति के बारे में आप? ठीक है, नहीं बोलूंगा अगर आपने अपने घर पे छुपा लिया तो। ठीक बा, आप कसम दिए तो हमको छुपाना ही पड़ेगा। कौन है अंगूरी, किससे बतिया रही हो पगली? कहा हुआ पगली, कौन था? कहा हुआ पगली, कौन था? हमने पूछा कौन था। प्लीज भगवान के लिए कुछ मत बताना भाभी जी, वरना ये कच्चा बनियान रायता फैला देगा। हाँ। कौन था? कोई भी तो नहीं था। हमने अभी कुछ सुना, तुम किसी से कुछ बतिया रही थी। ओ तो आपको बताते हैं, अबूरी का काल आया रहा, कहा है ना बहुत बहुत बदमाश हो गई है, उसको डांट रहे थे। अच्छा चलो ठीक है, हम तनिक जरा कमर सीधी कर ले और तुम थोड़ा काम वाम निपटा लो, जरा ऊपर आओ, थोड़ा मालिश वगैरह कर दो। है ठीक पा। विभू के जिगरी दोस्त प्रेम चौधरी की शोक सभा में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आप सब लोगों से गुजारिश करूंगी कि आज प्रेम के बारे में
दो शब्द जरूर कहे। मास्टर जी, सबसे पहले शुरुआत आपसे करना चाहूंगी, प्लीज कुछ कहिए। हम प्रेम चौधरी के बारे में क्या कहें? हम तो सिर्फ इतना ही कहेंगे कि उसमें संस्कार नाम का चीज नहीं था। बिल्कुल नहीं था, बिल्कुल नहीं था। टीएमटी, आप आज कुछ कह डालिए प्रेम चौधरी के बारे में। प्रेम भैया, प्रेम भैया एक नंबर की घटिया आदमी है ते। मतलब इतने घटिया थे? अगर लीचड़ लोगों का कंपटीशन कराया जाता ना तो मुझे पूरा यकीन है हमारे प्रेम भैया नंबर वन आते। नंबर वन, नंबर वन। शोक सभा में उपस्थित सभी बदतमीज सज्जनों को मेरा नमस्कार। प्रेम चौधरी के विषय में क्या कहें? प्रेम चौधरी पापों की गठरी था, ऐसे पापों की गठरी जिसमें सभी पापों का समावेश था। उसके व्यक्तित्व में एक प्रकार की बदतमीजी थी कि अगर वो कुछ ना भी बोले तो सामने वाले को अंदाजा हो जाता था कि ये शख्स बदतमीज है। गालों में बदतमीजी का पान दबाए, गालियों की पीक से वातावरण की दीवारों को दूषित करने वाला ये शख्स प्रेम चौधरी आज हमारे बीच नहीं रहा और अपने पीछे छोड़ गया कुछ भद्दी सी यादें जिन्हें लंबे समय तक लोग याद करके उसे कोसेंगे। भगवान इसकी आत्मा को शांति दे। शांत हो जाइए। अंगूरी जी, जो जो भी प्रेम के बारे में दिल में आपके हैं, आज प्लीज हमारे साथ शेयर कीजिए। हाय दिया, हम का बोले प्रेम जी के बारे में? कहा है कि वैसे तो हमरा कछु ज्यादा लेना देना था ना ही प्रेम जी के साथ, ऐसे कभी रास्ते में आते जाते मिल जाते थे हमको। उनका आंखें ना ऐसे चोर जैसा था, उनसे कभी आंखें ही ना ही मिला पाते थे हम। जब भी उनसे बात करते थे तो लगता था अब भाई हम पर अटैक कर देंगे, लेकिन कभी ऐसा हुआ ना ही। अब भगवान उनका आत्मा को शांति दे। क्या कहूं प्रेम चौधरी के बारे में? विभो के सभी दोस्तों में सबसे कमीना लगता था प्रेम चौधरी। और मजे की बात देखिए, वो सबसे कमीना था। जब भी उसकी बीवी से मिलती थी वो हमेशा यही कहती थी, मेरा पति कुत्ता है, कमीना है। विभु के अंदर जितनी भी गलतियां हैं, खामियां हैं, मसलन बेवजह गाली देना, रात बिरात गायब रहना, पीना, जुआ खेलना, सब कुछ प्रेम की ही तो देन थी। एक शेर अर्ज करना चाहूंगी। इरशाद भाभी जी, शेर अर्ज किया है, क्या कहूं उसकी बदतमीजी के बारे में? वाह, क्या कहूं उसकी बदतमीजी के बारे में, कमीनापन भरा था उसके एक एक इशारे में। अब हम क्या कहें प्रेम हुजूर के बारे में? वो हमारे लिए एक आदर्श से कम नहीं थे। हमें आज भी याद है जब हम नए नए आए थे कानपुर काम की तलाश में। हमारे सपने कुछ और थे, लेकिन जब हम प्रेम हुजूर से मिले तो उन्होंने हमें अपनी राह से भटका दिया और कोठा खोलने का मशवरा दे दिया। बस पता नहीं मुझ जैसी ऐसी कितनी औरतें थी जिनको उन्होंने इस नाच गाने के व्यवसाय में ढकेल दिया। बस आज उन्हीं सारी औरतों के साथ मिलकर हम प्रेम हुजूर को लानत भेजना चाहते हैं। एक्चुअली आई एम अ साइकियाट्रिस्ट।
जी क्या कह रहे हैं आप, साइकेट्रिस्ट हैं? सक्सेना जी माफ कीजिएगा, लेकिन आप साइकेट्रिस्ट हैं। मुझे लगता था, इनफैक्ट सभी को लगता है कि आपको साइकेट्रिस्ट की जरूरत है। आई लाइक इट भाभी माँ। ऐसा है कि इसमें रत्ती भर भी शक नहीं है कि मैं पागल हूँ, लेकिन भाभी माँ इसमें भी रत्ती भर शक नहीं है कि मैं एक साइकेट्रिस्ट हूँ। आपको यकीन नहीं होता ना, ये देखिए, आई एम अ गोल्ड मेडलिस्ट साइकेट्रिस्ट भाभी माँ। इंटरनेशनल लेवल पे रिकग्निशन मिला है मुझे। Oh my God, आप तो सच में साइकियाट्रिस्ट हैं? Yes. लेकिन सक्सेना जी एक बात समझ में नहीं आती, आप पागल हैं और आप ही साइकियाट्रिस्ट कैसे? इंटरेस्ट में भाई माँ, मैं जो बन गया हूँ ना, जिस क्वालिटी का, जिस लेवल का साइकियाट्रिस्ट मैं बन गया हूँ ना भाई माँ, यू जस्ट कैन नॉट इमेजिन। मैं जिस लेवल पे पहुँच गया हूँ भाई माँ, मैं आपको कह रहा हूँ, बस एक मौका मुझे दे दिया, सिर्फ एक मौका, विभूति भैया के साथ एक सेशन करने का मौका दीजिए मुझे, एंड बिलीव यू मी भाभी माँ, मैं उनको पूरी तरह से ठीक कर दूंगा। आई विल क्योर हिम, उनके इस डिप्रेशन से उनको पूरी तरह से मुक्त कर दूंगा मैं। कर दीजिए सक्सेना जी, कर दीजिए। हाँ सक्सेना जी, आप ना विभू को इस डिप्रेशन से निकाल दीजिए। और इस बार मेरा दिल कह रहा है, मेरे दिल से आवाज आ रही है कि आप कुछ कर जाएंगे, आप कुछ कर गुजरेंगे। यू आर द वन। यस भाई माँ, आई एम द ओनली वन। आई लाइक इट। प्रेम जी भाभी जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग को छोड़िए, आप ही नाटक बंद कर दीजिए। कौन सा नाटक? यही कि आप तय बोल गए हैं। अरे भाभी जी, ये नाटक नहीं है। का? ये नाटक ना ही है, मत पर आपका प्रेम जी के भूत है। नहीं नहीं भाभी जी, मेरा ये मतलब नहीं है। मेरा मतलब है एक यही नाटक है जो मुझे लोगों से बचा सकता है, वरना ये लोग मेरी बूटियां नोच लेंगे। हाँ। लेकिन का आपको पता है आपको कि आपके ई नाटक की वजह से बेचारे भरभूति जी का क्या हाल है? उनका रो रो के बहुत 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 बुरा हाल है, ना कछु खा रहे हैं, ना कछु पी रहे, बस टेसुए पे टेसुए बहाए जा रहे हैं। अरे भाभी जी, वो रोता है तो उसे रोने दो, आखिर मेरा दोस्त है, अगर मेरी याद में चार आंसू बहा भी देगा तो कौन सी आफत आ पड़ेगी? चार नहीं, बहुत सारे आंसू बहा चुके हूँ, और हमसे उनका वो हाल देखा नहीं जाता है। हम आपको ज्यादा दिन नहीं छुपा सकते हैं, हम जाकर उनको बता देंगे कि आप जिंदा हैं। अगुरे भाभी जी, भाभी जी, आपको कच्चा बनियान की कसम, आप उसे कुछ मत बताइएगा। अगुरे क्या हुआ पगली, तुम किससे बतिया रही थी? हमने कहा किससे बात कर रही थी? या तो कोई है ही नहीं। हाँ, हमको याद आया, का है ना, अब भूरी का काल आया था, आजकल बहुत काल करती है, वो है ना हमसे फूलों के बारे में पूछ रही थी। अच्छा अच्छा, लेकिन हमें ये घटिया परफ्यूम की बदबू कहाँ से आ रही है? तुमको भी आ रही का? नहीं, हमको तो कुछ नहीं आ रहा है। और हमें ऐसा कहे लग रहा है जैसे इस दुर्गंध से हम भली भांति वाकिफ हैं। यहाँ से आ रहा है लेटे के भैया, आई के अंदर से, देखिए देखिए यहीं से है। अच्छा, हो सकता है शायद यही हो। प्रेम जिंदा है, जिंदा है मेरा प्रेम, जिंदा है। हाँ, वही तो बोल रहे हैं, मत बल, वो हम सब के ख्यालों में जिंदा है, यादों में जिंदा है। हाँ भाभी जी, मुझे ख्यालों में, यादों में प्रेम जिंदा नहीं चाहिए, मुझे हकीकत में प्रेम जिंदा चाहिए, जिंदा चाहिए, जिंदा चाहिए। अब भाभी जी, आज
प्रेम प्रेम तू ये मेरे सामने खड़ा हुआ ठिटका हुआ डरा हुआ सहमा हुआ ये खड़ा है भाभी जी कहाँ खड़े हैं हमको तो ना ही दिखना है प्रेम परभूति जी आपके जूते का फीता खुला है परभूति जी लेकिन भाभी जी मेरे जूते में तो फीता ही नहीं है क्या बात कर रहे हैं ये प्रेम कहाँ गया ये प्रेम कहाँ गया यही खड़ा था भाभी जी यही खड़ा था कोई ना ही है कछु ना ही है देखिए कौनो भी तो ना ही है विभूति नारायण मिश्रा जी आप मेरी आंखों में आंखें डालकर मेरे सवालों का जवाब दें कब से तो घूर रहा हूं आपको यार कब से तो विभूति नारायण जी पहला सवाल ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर ये क्या कर रहे हैं सक्सेना जी आप विभू का इलाज कर रहे हैं कोई गेम शो खेल रहे हैं रिलैक्स भाई मां ये ट्रीटमेंट का तरीका है मैं कर रहा हूं ठीक है हाँ तो भैया मुझे आप ये बताएं कि सबसे पहले आप प्रेम चौधरी से कब मिले कॉलेज में और पहली मुलाकात में ही आपको उनसे प्यार हो गया था पहले हमारा झगड़ा हुआ था क्यों झगड़ा हुआ था एक्चुअली वो हाँ विभू बताओ बताओ सारी बातें खोलकर बताओ विभू अपना दिल खोल दो आज एक्चुअली जिस लड़की को मैं डेट कर रहा था उसको प्रेम ने छेड़ दिया था एक मिनट क्या कहा तुमने तुम किसी लड़की को डेट कर रहे थे कब की बात है ये तब तक तो मेरी जिंदगी में नहीं आई थी लेकिन जब तुमने मुझे पहली बार प्रपोज किया था तो तुमने कहा था कि मैंने तुमसे पहले किसी को डेट नहीं किया मतलब मैं तुम्हारी जिंदगी में पहली लड़की थी यानी कि तुमने मुझसे झूठ बोला था विभू भाई मां इस बारे में इस मैटर पर बाद में बात कर लीजिएगा अभी ट्रीटमेंट चलने दीजिए हाँ हाँ तो भैया फिर क्या हुआ उसके बाद मैंने उसको खूब धोया बहुत धोया फिर बाद में हमारे एक कॉमन फ्रेंड ने मेरी दोस्ती करा दी उसके साथ फिर क्या हम दोस्त हो गए वी बिकेम फ्रेंड्स तो जब आप दोनों दोस्त हो गए तो उसके बाद आप लोग साथ में बहुत कुछ करते होंगे तो जब आप लोग करते थे तो क्या करते थे जलील करते थे आई लाइक इट हम दोनों की बातों में गाली गलौज हुआ करती थी हाथ वाथ भी उठाते थे नहीं कभी हाथ नहीं उठाया मैंने सिर्फ बकलोली करते थे बेसर पैर की बातें राइट बेसर पैर की बातें करते थे हमारी बातों में एक बेबाकी होती थी और अगर अनु के लफ्जों में कहा जाए तो बदतमीजी होती थी बेशर्मी होती थी बेहयाई होती थी I like it. जब वो मुझे जलील करता था तो मुझे मुझे बड़ी अच्छी सी फीलिंग आती थी I used to like it. दिल करता था कि वो जलील करता रहे और उससे जलील होने के लिए मैं उससे पैसे उधार लिया करता था और जानबूझकर पैसे वापस नहीं देता था और वो इस बात को लेके मुझे जलील करता था ह्यूमिलेट करता था भाभी जी कौन आ गया पगले लड़के भैया कुछ ना ही ओ, 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 छिपकली था छिपकली आप यहाँ कहाँ आए हैं कहाँ चाहिए आपको भाभी जी मेरे सर में जोर से दर्द हो रहा है कोई पेन किलर है क्या अरे का हो गया का हुआ पगली कहाँ है छिपकली है कहाँ है बताओ हुआ
तुमको पता है छिपकली वाली घटना से ना हमको एक पुरानी स्मृति ताजा हो गई पगली। कौन सा स्मृति? हिंदी तो सही से बोल लो, वो स्मृति होता है पगली। सही पकड़े हैं। तुम्हें याद है पगली वो हमारी सुहाग रात, जब तुम इसी बेड पे सिमटी सी ऐसे सकुचाई सी लाल जोड़े में बैठी थी है? अचानक तुमको जब वो ऐसी छिपकली नजर आई है और तुम चीख चिल्ला कर ऐसे एकदम से हमारी बाहों में से सिमट कर आए गई है? याद है पगली? तो आओ ना पगली, उसी पल को थोड़ा दोहरा देते हैं ना पगली। हाय तैया, आज तो ये लड्डू के भैया कुछ ज्यादा ही रोमांटिक किया रहे हैं। यहीं प्रेम जी बिस्तर के नीचे हैं, का करे का करे, हमरी तो कुछ ना ही समझ आ रहा है। क्या हुआ है? क्या कहती हो, दोहरा दे उपल? अच्छी जुकाम कैद छोड़ो पगली, तो क्या कहती हो, दोहरा दे उपल? हम कुछ समझे नहीं। अरे तो हम समझा देते हैं ना पगली। नहीं, आज हमको कुछ ना ही समझना है। अरे पगली क्या कर रही हो, आओ ना पगली, तनिक रोमांस करे। क्या है कि आज हमारे अंदर के रोमांस के कीड़े थोड़ा बिलबिला रहे, उनको शांत कर दो ना पगली। हम क्या बोल रहे हैं, अपने रोमांस के कीड़ों पर ना ऐसे डीडीटी छिड़क के उनको मार दीजिए। का है ना कि आज हमारा बिल्कुल भी मूड बा नहीं है। अरे मुडबा नहीं है तो मुडबा बना देते हैं ना पगली। ओ, 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 देख लेंगे। कौन देख लेंगे? ओ, 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 जी आ जाते हैं ना, अरे कभी कभी यहाँ से आ जाते हैं। ओ, अरे वो कहाँ से आ जाएंगे पगली, वो तो अपने फ्रॉड दोस्त के गम में वैसे ही पगलाए बैठे हैं ना पगली है? नहीं तो आओ तो दिख, आओ ना पगली। कहा दाढ़ी कितना चुभ रहा है? हाँ दाढ़ी चुभ रहा है? अरे कहाँ चुभ रहा है, अभी सुबह ही तो बनाए थे, देखो जरा दूध देखो। शाम तक बढ़ जाता है। अच्छा अभी इतना भी नहीं बढ़ा है, देखो तो हमारे लिए एक बार फेर लीजिए ना। चलो ठीक है, तुम कहती हो तो फेर लेते हैं, तब तक तुम भी अपना मुडवा बनाए लो, ठीक बा? ठीक बा। चलो पगली। प्रेम जी जल्दी आइए, जल्दी आइए, आपको दवाई देते हैं। हाँ, सोने के बाद जाइए, जाइए। तेरा सा नहीं भाभी जी, नहीं नहीं। अतियो का 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 हुआ? भाभी जी आप ये गाना नहीं गाएंगे? का 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 है भाभी जी, जब भी आप ये गाना गाती हैं मुझे मेरे यार की याद आ जाती। लेकिन ये गाना तो हम पहली बार ही गा रहे थे। हाँ, मैं और मेरा यार प्रेम, हम दोनों मिलके ये गाना गाया करते थे, जय वीरू की तरह बाइक पे बैठ के। भाभी जी ओए दिया, सारी सारी हाँ हम आपके मोशन जगा दिए। भाभी जी इमोशंस होता है ऐसे ही पकड़े हैं। लेकिन आप काहे इतना दुखी होते हैं, आपका दोस्त कहीं ना ही गया है, वो तो यही कहीं है। यही कहीं से मतलब? कहीं ना ही गया है, उसका आत्मा यही कहीं भटक रहा होगा। भाभी जी नाश्ता। पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर।